भारत को भी अमीर बनना है तो हर भारतीय को अमीर बनना पड़ेगा, और अगर हर भारतीय को अमीर बनाना है चार काम करने पड़ेंगे। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सबको शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने कच्चे टीचर हैं पूरे देश के अंदर सबको पक्का करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पे नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा, टीचरों की शानदार ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे, इन लोगों की दिल्ली में कराई हम लोगों ने। ये चार काम कर देंगे, भारत अमीर देश बन जाएगा, भारत का एक एक आदमी अमीर बन जाएगा। 5 साल में ये काम हो सकता है। दिल्ली में हमने 5 साल में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पूरे देश में भी 5 साल में हो सकता है, हमको करना आता है। आज मैं केंद्र सरकार को ये ऑफर देना चाहता हूं कि आप हमारी सर्विसेज यूज करो ना, हम भी तो इसी देश के हैं, राजनीति को साइड रख देते हैं, आप हमारी सर्विसेज यूज करो, हम आप सारे देश के सब लोग मिलके 130 करोड़ भारतीय मिलके सारे स्कूलों को मिलके ठीक करेंगे, सारी सरकारें मिलके ठीक करेंगे, ये हो सकता है। और इसको फ्री भी कहना बंद करो, अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक टाइम का पेट भी काटना, पेट एक टाइम की रोटी भी नहीं खानी होना, 130 करोड़ लोग उसके लिए भी तैयार हैं। और दूसरी चीज, सबके लिए अच्छा और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमने दिल्ली में किया है, 5 साल के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी दिल्ली के अंदर कि हर व्यक्ति को, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति को सारा इलाज मुफ्त है उसका, छोटी से बड़ी से बड़ी बीमारी तक सारा इलाज मुफ्त है। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो पूरे देश में भी हो सकता है। बस लगन ये चाहिए कि सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करना है। आज पूरे सरकारी सिस्टम का कबाड़ा करने में सारे हम लगे हुए हैं, सरकारी स्कूलों का भी कबाड़ा करने में लगे हुए हैं, जानबूझ के कई सरकारों के में सुनने में आता है, कई सरकारें जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कबाड़ा किया जा रहा है ताकि प्राइवेट में बच्चों को भेजना चालू कर दे, जानबूझ के सरकारी अस्पतालों का कबाड़ा किया जा रहा है, सरकारी डिस्पेंसरियों का कबाड़ा किया जा रहा है ताकि प्राइवेट अस्पताल फले फूले। इंश्योरेंस स्कीम निकाली हुई है, कहते हैं कि 5-5 लाख रुपए इंश्योरेंस, अगर आप अस्पताल में भर्ती हो गए तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लेना। मान लो मेरे को बुखार हो गया, मेरे को कोई बीमारी हो गई, मैं अस्पताल में भर्ती नहीं, इतनी दवाइयां लेनी पड़ रही है, मेरा पैसा कहां, मैं कहां से लाऊंगा पैसा? और देश के कई इलाके ऐसे जहां अस्पताल है ही नहीं, उस इंश्योरेंस का कार्ड लेके मैं करूंगा क्या? मेरे को इलाज चाहिए, मेरे को इंश्योरेंस का कार्ड नहीं चाहिए। जब कोई सरकार इंश्योरेंस का कार्ड देती है तो कहती है भैया हमने तो वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, इसका मतलब हमने तो तुम्हारा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने तो 5 लाख रुपए का कार्ड दे दिया। इसका मतलब वो सरकारी अस्पताल ठीक नहीं करना चाहते। हमें पूरे देश के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति को ये सुरक्षा चक्र मिल सकता है कि उसका सारा इलाज मुफ्त, छोटी से छोटी क्रोसिन से लेके 20 लाख 40 लाख 50 लाख का भी ऑपरेशन होगा वो भी मुफ्त, पूरे देश में भी हो सकता है। इसके लिए अपने को खूब बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे, डिस्पेंसरियां खोलनी पड़ेगी, एक्सरे की मशीन लगानी पड़ेगी, MRI की मशीन लगानी पड़ेगी अस्पतालों के अंदर, टेस्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। हो सकता है, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, अगर दिल्ली में हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने को। दिल्ली में हमने देखा, एक बार अस्पताल बना दो, सारी मशीन वशीन खरीद लो, उसके बाद 2000 रुपये एक आदमी का खर्चा आता है साल का एवरेज, औसतन। पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश का इलाज हो जाएगा। सबको सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और ये जितने अमीर देश हैं उन्होंने इंतजाम कर लिया, ये जितने अमीर इसमें इंग्लैंड में सबका इलाज मुफ्त है, सारा सरकार इलाज कराती है, सबका इलाज मुफ्त है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इनमें सबका इलाज मुफ्त है। हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, 5 साल में हो सकता है ये भी, हमने दिल्ली में किया, हमें करना आता है। मैं फिर से केंद्र सरकार से ऑफर कर रहा हूं कि हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करो, हमें, हम तैयार हैं आपके साथ मिलके काम करने को तैयार हैं, हम केंद्र सरकार के साथ मिलके काम करने को तैयार हैं। और इसको भी फ्री भी कहना बंद करो, 130 करोड़ लोगों का अपना परिवार है।